हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। एक बार फिर से जितने भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आए हुए हैं, तो सबको मेरे ओर से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और जो भी मेरा पूरा स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हुए हैं तो उन सबको पता होगा कि सीरियल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए समय बर्बाद न करते, सीधा क्वेश्चन कोड चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, नारद के अनुसार पंचरात के निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, भक्ति। इसके बाद नारद के अनुसार पंचतंत्र में परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग, विषय जैसे पांच पदार्थ है, इसलिए यह पंचरात कहा जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के अवतारों की संख्या कितनी मिलती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी 10 मिलते हैं। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। 10 अवतार निम्न है, मत्स्य पुरम के बाद है कच्छप, नरसिंह, वराह, वानम, परशुराम, बलराम, बुद्ध और कली। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर देखते हैं, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित संतों में कौन एक स्त्री थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, अंडल। इसके वैष्णव धर्म का गढ़ दक्षिण में तामिल प्रदेश था। 9वीं और 10वीं शताब्दी में अलवार प्रांतों के उत्कर्षण का काल था। उस समय के प्रमुख संत पेरियार अलवार स्त्री शांत अंडाल नम्नवाल तिरुमंगाई प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सही सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, निम्नलिखित वैष्णव मत एवं उनके आचार्य को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दो सूत्र मिलान करने के लिए बोल रहा है। इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ये देख लीजिए, इसका जो है आंसर हो जाएगा एक जो है विशिष्ट देवत्व जो है रामानुज होगा। इसके बाद जो है बी का जो है देवत्वाद जो इसमें माधवाचार्य होगा। इसके बाद जो है सी का जो है शुद्ध देत जो है इसका वल्लभाचार्य होगा, और डी का है देत जो है इसका जो है आंसर बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, लकुलिस। पशुपत संप्रदायिकता सेव मत का सबसे पुराना संप्रदायिकता है। इस संप्रदायिकता की स्थापना कलुलिस ने की थी। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। वीर से संप्रदायिकता की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, बासव। वीर शैव का लिंगायत संप्रदायिकता का स्थापना वासव ने की थी। लिंगायत शिवलिंग को चांदी के संपुट में रखकर गले में धारण करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है मत्स्य पुराण से। इसके बाद है लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग उपासना का उल्लेख मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गौतम बुद्ध के काल में कुल कितने गणराज्य थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। बुद्ध के समय में कुल 10 गणराज्य थे, जिनमें 8 वाणिज्य संघ तथा 2 पल्लव के अंतर्गत थे। ये निम्नलिखित कपिल वस्तु के साक्ष एवं सुम सागर गिरी के मग्न अल कप्स के बेली के सपूत के कलाम, पांचवा है राम ग्राम के केलिया, छठा है पिपलीवन के मेरिया, सातवा है वैशाली के लक्ष्मी, आठवा है मिथिला के विदेह,
और नवा है कुशी नारा के मल्ल और दसवा है पावा के मल्ल। तो ये 10 जो है इसका गणराज्य थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी वैशाली। बुद्ध के समय में सबसे बड़ा था शक्तिशाली गणराज्य वैशाली का। लक्ष्मी गणराज्य था सबसे बड़ा जो है, कौन सा गणराज्य था बड़ा? तो वैशाली। निम्नलिखित में से एक विख्यात पशुपत आचार्य थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री कीरपंडित। श्री कीरपंडित पशुपत मत के आचार्य थे। उद्योगकर सेव मत आचार्य एवं पूर्ण कश्यप घोर अक्रियावादी आचार्य थे। शांति नाथ जैन धर्म के 16वें तीर्थकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी विदेशियों के द्वारा विर्जित होने का भय। इसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से कृषि प्रसार होने लगा। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग संपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन से व्यापार तथा नगरीकरण हुआ तथा छोटे नगर धीरे धीरे महाजनपदों में बदल गए। जो छोटा छोटा गौथन वो बड़ा गो में जो है महाजनपद में बदल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मेगास्थानी द्वारा डायोनीसियस एवं हेराक्लीज के रूप में किन भारतीय देवताओं की पहचान की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी शिव एवं कृष्ण। मेगास्थानी डायोनीसियस की शिव और हेराक्लीज की कृष्ण के रूप में पूजा उल्लेख किया है। चलिए भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घोर अंगिरस। तो इसका छांदोयक उपनिषद के कृष्ण के देवकी पुत्र कहा गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बौद्ध का शिष्य आनंद था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी साकी। इसके बाद है राजा सुदोधन पूर्वोत्तर बिहार के शाक्य के गणराज्य थे, अतः आनंद शाक्य था। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा देना, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना। चलिए किस स्थान के उत्खनन के कपिल वस्तु के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा पीपर हवा। कपिल वस्तु की राजधानी की पहचान उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में पीपर हवा नामक स्थान से की गई है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली कहा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी सारनाथ। सारनाथ वही स्थान है जहाँ बौद्ध के प्रथम धर्म उपदेश दिया था, इसलिए यह बौद्ध धर्म की स्थापना का सूचक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। जो सारनाथ जो है दोस्तों ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के वाराणसी जिले में जो है ना ये स्थित है। तो जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो पर आए हुए हैं, अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद कुछ सीख मिलता है, कुछ जानकारी मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना। बस आज के लिए इतना ही। पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य कर दीजिए इजाज़त। बाकी बात कल फिर मिलेंगे। ओके बाय।